धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है यानी पाणि ग्रहण संस्कार होता है तो दोनों की ही कुंडली का मिलान किया जाता है और विद्वानों द्वारा शादी के शुभ मुहूर्त लग्न का समय निकाला जाता है। आज के समय में शादी विवाह में ढोल नगाड़े या अन्य संसाधनों के कारण उस लग्न में शादी न होकर अन्य लग्न में शादी होती है, जिससे देखने को मिलता है कि 36-36 गुण मिलने के बाद भी दोनों में तलाक हो जाता है और दोनों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हिंदू धर्म में शादी विवाह की रस्मों को उसी लग्न में पूरा किया जाता है जिस लग्न में उस समय में नहीं होता है, तो अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी की जानकारी के लिए हमने हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। जब पाणि ग्रहण संस्कार दो पक्षों में होता है और आज की परिस्थिति में फिर भी शादी टूट जाती है, 36 गुण मिले हुए हैं फिर भी शादी टूटने के कगार पर पहुंच जाती है, उसका क्या कारण है? उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे जो एक लग्न होता है जिस समय लग्न निकाला जाता है और वो लग्न को भेजा भी जाता है कन्या के यहाँ से पूजा करके, फिर वो वर पक्ष के यहाँ पर उसको सुनाया भी जाता है और उसका समय निश्चित होता है कि रात्रि का लग्न निकला है, दिन का निकला है, गोधूली लग्न निकला है। तो लग्न ये कई लग्न होते हैं, तो कर्क लग्न है और कई लग्न है, तो इस प्रकार से जो लग्न है उसी में ही पाणि ग्रहण संस्कार अर्थात फेरे होने अनिवार्य हैं, तभी हमारा जो विवाह अर्थात पाणि ग्रहण संस्कार संपन्न एक भली प्रकार से हो सकता है। तो पाणि ग्रहण संस्कार का जब विवाह का समय आ जाता है, जिस दिन हमारे यहाँ विवाह है उस दिन लोग बागों को ज्यादातर हम शादियों में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, तो बार द्वारी हो रही है, भोजन कर रहे हैं, बहुत समय लगा दिया है, तो सब अपने निजी स्वार्थ वर्ष फेरों को टाल देते हैं और इन कामों में उलझे रहते हैं। विद्वान पंडितों के द्वारा कहा जाता है फेरे का समय हो गया कर लीजिए कोई बात नहीं, तो वो उसको लापरवाही में ध्यान नहीं देते। तो लग्न निकलने के बाद उसका कोई लाभ नहीं, तो कहने का अभिप्राय है उसी लग्न में फेरे होने चाहिए जिस लग्न में उनका समय निकला है, कर्क लग्न मान लिया है और कर्क रात्रि का समय है तो कर्क लग्न में ही 2.5 घंटे 3 घंटे जो भी समय वो लग्न का उस समय ही फेरे होने चाहिए, पाणि ग्रहण संस्कार होना चाहिए और साथ ही उनका जो संस्कार है बड़े विधि विधान से हो, पंडितों की बात को ध्यान से सुने और उनकी जो बातों पर ध्यान भी दें कितने फेरे हुए हैं और दूसरा एक सप्तपदी कैसे हुई है, एक ध्रुव तारे का हमने स्मरण कराया है उसका क्या अर्थ है, इन सब बातों को देखते हुए वर वधु को अपने उन पाणि ग्रहण संस्कार के नियमों को समझना चाहिए, तभी ये जो अपना पाणि ग्रहण संस्कार का जो कार्य भली भांति संपन्न हो सकता है और आपस में हमारा तलाक नहीं होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये सभी जो भी वीडियो को देख रहे हैं सभी इन बातों पर अवश्य ध्यान दें।